प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र काशी के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने पूर्वांचल को एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस दौरान उनकी अगवानी के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी समेत अन्य लोग भी पहुंचे थे। कार्यक्रम में क्रिकेट जगत की कई मशहूर हस्तियां मौजूद रहीं। पीएम मोदी के साथ बीसीसीआई के चीफ रोजर बिन्नी समेत कई पूर्व क्रिकेटर मौजूद रहे, जिनमें क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर समेत 1983 विश्व कप विजेता टीम के रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर और कपिल देव भी शामिल थे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम स्थल तक खुली जीप में सवार होकर मिनी रोड शो भी किया। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए जनता में भरपूर उत्साह नजर आया। इसके बाद गंजारी स्थित जनसभा स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए अपना संबोधन दिया और वाराणसी समेत यूपी के सभी खेल प्रेमियों की ओर से प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। सीएम योगी के संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल के पहले और यूपी के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का बटन दबाकर शिलान्यास किया। इसके बाद वीडियो के जरिए स्टेडियम के बारे में बताया गया। आपको बता दें कि इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भगवान शिव और काशी की झलक दिखेगी। स्टेडियम का आकार अर्धचंद्राकार होगा, जिसमें लगी फ्लडलाइट्स त्रिशूल के आकार की होंगी। इसके बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत हर हर महादेव की जयकारी के साथ करके एक बार फिर जनता का दिल जीत कर काशी और भगवान भोलेनाथ के साथ अपना जुड़ाव व्यक्त किया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि महादेव की नगरी का यह स्टेडियम स्वयं महादेव को समर्पित होगा। काशी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने से यहां के खिलाड़ियों को फायदा होगा। यह स्टेडियम पूर्वांचल क्षेत्र का स्टार बन जाएगा। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज मैं एक ऐसे दिन काशी आया हूं जब चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट तक पहुंचने का भारत का एक महीना पूरा हो रहा है। शिव शक्ति यानी वो स्थान जहां बीते महीने की 23 तारीख को हमारा चंद्रयान लैंड हुआ था। मेरे प्यारे परिवारजनों, काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा। ये स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ 30,000 से ज्यादा लोग बैठकर के मैच देख पाएंगे। और मैं जानता हूं, जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, हर काशीवासी गदगद हो गया है। वही शिलान्यास के कार्यक्रम के बाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पीएम मोदी ने करीब 5,000 महिलाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल ने नवरात्रि के लिए उत्साह बढ़ा दिया है, महिलाओं के विकास के नए रास्ते खुलेंगे। मैं भारत की सभी महिलाओं को इसके लिए बधाई देता हूँ। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसा ऐतिहासिक कानून पास होने के बाद सबसे पहले काशी में आप सबके आशीर्वाद लेने आया हूं। संयोग से कुछ ही समय में दुर्गा पूजा का उत्सव भी शुरू होने वाला है। बनारस में जगह जगह दुर्गा पंडाल की तैयारी चल रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने इस बार नवरात्रि के उत्साह को और भी कई गुना बढ़ा दिया है। इस कानून से देश के लिए महिला विकास के नए रास्ते खुलेंगे। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ेगी। मैं उस उपलब्धि के लिए आपको भी और देश भर की माताओं बहनों को आज काशी की पवित्र धरती से हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिग्रा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में अटल आवासीय विद्यालय के विद्यार्थी और काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के विजेताओं के साथ मौजूद रहे। पीएम ने अटल आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। रुद्राक्ष से ही पीएम मोदी ने 1115 करोड़ से बने प्रदेश के सभी 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का ये 31वां वाराणसी दौरा है। इस दौरान उन्होंने वाराणसी समेत पूरे प्रदेश को 1565 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ये खास खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।